प्यारे दर्शकों, यीशु मसीह के पवित्र नाम से इस कार्यक्रम में आप सबका स्वागत करते हैं। किसी घर में यीशु पिता हो तो क्या होता है, और अगर उसी घर में यीशु पिता ना हो तो क्या होता है। इस कार्यक्रम में हम आप सबको यही अंदर दिखाने वाले हैं। सबसे पहले यीशु पिता के ना होने पर क्या होता है देखें। रोजी, जरा कॉफी लाना। अभी लेके आती हूँ। ये लीजिए, कॉफी बहुत गर्म हो रखी है, थोड़ी ठंडी होने के बाद ही पीना। ठीक है, यहाँ रख कर जाओ। महंगाई सातवें आसमान पर पहुंच गई, गरीब लोग बेचारे पता नहीं कैसे जीवन जिएंगे। होमवर्क करने देखे ना। पापा, I'm sorry, पापा, मैंने जानबूझ के नहीं किया। उल्लू के पट्टे आंखों से दिखता नहीं है क्या? गरम गरम काफी कपड़ों पे गिरा दी। ऐसी कौन सी आफत आ गई है, पता नहीं कब सुधरेगा। आप बच्चे को ऐसे डांट क्यों रहे हैं? ये देख ना, सारे कपड़े खराब कर दिए। बच्चों को ऐसे पालते हैं क्या? बिल्कुल तेरे जैसा ही दिमाग है। हाँ हाँ, सारा दोष मुझ पर ही लगाना। जब तक मुझसे झगड़ा नहीं करोगे, आपको नींद ही नहीं आती है ना। झगड़ा तो ऐसे कर रहे जैसे मैंने कॉफी गिराई, और उसके लिए आप मुझे ही डांट रहे हैं। ए सुन, मेरे मुंह मत लग, चुपचाप घर में चली जा। मुझे गुस्सा आ गया तो चांटा मार के गाल लाल कर दूंगा। हाथ उठाने के चक्कर मेरे साथ में मत रखना। मारूंगा तो क्या कर लेगी? मैं भी चुप नहीं रहूंगी। हर बात के लिए आप मुझसे झगड़ा क्यों करने लगते हैं? क्या कहा तूने, मुझसे जबान लड़ाती है? मत मारिए पापा। तुमने मेरे ऊपर हाथ क्यों उठाया? तुम बर्बाद हो जाओगे। अब एक मिनट भी मैं तुम्हारे साथ यहाँ नहीं रहूंगी। मैं इसी वक्त अपने मायके जा रही हूँ। तुम अकेले यहीं रहकर सड़ते रहना। तू चल मेरे साथ। अरे जा, जहाँ जाना है जा, भाल में जा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। चली जा, जान छुटेगी। बेटी रोजी। पिताजी। क्या हुआ बेटी? नानू। अचानक से यहाँ दामाद जी नहीं आए क्या? तू रो क्यों रही है बेटी, आखिर हुआ क्या? ऐसे क्यों रो रही है, वहाँ घर में ऐसा क्या हुआ? उन्होंने मुझ पे हाथ उठाया, बात बात पे मुझसे झगड़ा करते हैं, मुझे मारते पीटते हैं। क्या कहा, उसने तेरे ऊपर हाथ उठाया? उस कमीने को इतनी चर्बी चढ़ी हुई है। तू रो मत बेटी, मत रो, मैं अभी जाके उसे पूछता हूँ ऐसा क्यों किया। नहीं पिताजी, आपको उनसे कोई भी बात करने की जरूरत नहीं। आप जाएंगे तो आपसे भी वो बुरा व्यवहार करेंगे। अब मैं उनके साथ जीना नहीं चाहती हूँ पिताजी। रो मत बेटी, मत रो। उनके ऊपर केस करके, कुछ भी करके मुझे डाइवोर्स दिलवा दीजिए पिताजी। उनके साथ घुट घुट कर जीने से अच्छा है कि मैं अलग होकर अपनी अलग से जिंदगी बिताऊं। प्लीज पिताजी, प्लीज पिताजी। रो मत बेटी, मत रो। मैं कल ही जाके एक अच्छा सा वकील फिक्स करूंगा और तुरंत उसे डाइवोर्स नोटिस भेजने को कहूंगा। ठीक है ना बेटी? तू रोना बंद कर बेटी, रो मत। चला आ जा बेटी। सर, कुरियर, कोई है? अपना पेन देना। ये लो। डाइवोर्स नोटिस, कोई बात नहीं, मैं भी साइन कर दूंगा। इसमें क्या हुआ, इसके जाने के बाद मुझे कोई और नहीं मिलेगी क्या?
इसका जवाब मैं तुरंत भेज देता हूँ। डाइवोर्स मुझे मंजूर है। देख लिया ना, यीशु पिता घर में ना हो तो कैसी कैसी घटनाएं होती है। छोटी छोटी बातों पे भी लड़ने लग जाते हैं। लड़ाई बड़ी होकर डाइवोर्स तक पहुंच जाती है। घर की सुख शांति सब छिन जाती है। परिवार टूट के बिखर जाता है। ठीक है, अब इसी घर में अगर यीशु पिता होते तो क्या होता देखें। रोजी काफी बन गई हो तो ले आओ। अभी लेकर आती हूँ। ये लीजिए, कॉफी बहुत गर्म है, थोड़ी ठंडी होने के बाद। ठीक है, यहाँ रख कर जाओ। जीएसटी के खिलाफ जनता में आक्रोश, अब भला इससे क्या बदलने वाला है? पापा होमवर्क कर ले, देखिए ना। ए, छे, ये क्या बेटे? पापा I'm sorry, पापा मैंने जानबूझ के नहीं किया। कोई बात नहीं बेटे, धो देंगे तो ठीक हो जाएगा। इधर आ, मेरी बात सुन। आइंदा जब भी जो भी करो ध्यान उसी में रखना, ठीक है? ठीक है पापा। गुड बॉय। अरे ये क्या हुआ, कपड़े खराब हो गए? बेटे ने कॉफी गिरा दी क्या? गरम कॉफी से जले तो नहीं? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ, इतनी गरम भी नहीं थी, बस कपड़े गंदे हुए। ये क्या बेटे, थोड़ा देखना चाहिए ना, देख उनकी कैसी हालत हो गई है। इसे तुम कुछ मत बोलो, इसकी कोई गलती नहीं, जानबूझ के कुछ नहीं किया। दरअसल गलती मेरी है, अगर ये कॉफी मैंने तभी पी ली होती तो ऐसा कुछ होता ही नहीं। वो तो ठीक है, लेकिन इतनी गर्म कॉफी आप कैसे पीते? देखा जाए तो गलती मेरी है, अगर कॉफी मैंने थोड़ी ठंडी करके दी होती तो ऐसी कोई समस्या खड़ी ही नहीं होती। क्यों, मैंने ठीक कहा ना? ऐसी वैसी कोई भी समस्या नहीं है, नीचे फर्श धुल जाएगा और मेरे कपड़े भी धुल जाएंगे, क्यों? अच्छा ठीक है, आप जाके कपड़े बदल लीजिए। हाँ। ये सब मैं साफ कर देती हूँ, जाकर पढ़ाई कर। ठीक है माँ। प्रिय बंधुओं, ये आपके परिवार के लिए आशीर्वाद का समय है। आपके परिवार के आशीर्वाद के लिए प्रार्थना करने के लिए हम ये कार्यक्रम करते हैं। आज के दिन एक परिवार में घटने वाली घटना को आपने देखा। किसी भी परिवार में सुख शांति छिनने के जो कारण हैं, उसमें एक समस्या आती है और उस समस्या के कारण परिवार में दरार पड़ने जैसी परिस्थिति। और प्रैक्टिकली ये बात हमसे अछूती नहीं है। एक छोटी सी बात से शुरुआत होती है और बात इतनी बढ़ जाती है कि परिवार टूट जाता है। तो हमारे जीवन में, विशेषकर परिवार में, सुख शांति को अच्छी तरह बनाए रखना परिवार में सबका दायित्व है। पति पत्नी बच्चे सबके इसमें जिम्मेदारी रहती है। इसमें विशेषकर ध्यान देने वाली जो बात है, याकूब पहला अध्याय 20वें वचन में प्रभु कह रहे हैं, क्योंकि मनुष्य का क्रोध परमेश्वर के धर्म का निर्वाह नहीं कर सकता। मनुष्य का क्रोध, हमारे घरों में गुस्सा, कई बार पति गुस्से में आकर जब अनाप शनाप बकने लगता है तो उससे पत्नी के मन को ठेस पहुंचती है, और चाहे कितने ही साल बीत जाए मन में वो ठेस चुभती रहती है। कभी कभी 20 साल के बाद भी लोग सोचते हैं कि मेरे पति की वो बात आज भी मेरे मन को दुख पहुंचाती रहती है। तो जो बात कहते हैं, पत्नी जो बात कहती है, यानी जब पति को बोलती है, तो उससे उसके पति के मन को ठेस पहुंचती है। एक ही घर में रहते हैं, एक साथ चर्च जाते हैं आते हैं, लेकिन मन में जो ठेस पहुंची है उससे दोनों के मन में हल्की सी खटास आ जाती है। नाम के लिए एक दूसरे से आपस में बात करते हैं, लेकिन सचमुच का प्यार दोनों के बीच में नहीं दिखेगा। इससे रिश्ते में दरार पड़ती है, सचमुच की सुख शांति छिन जाती है। वो पति की हो सकती है, पत्नी की हो सकती है, आपके बच्चों की हो सकती है, या बड़ों की हो सकती है। इसकी शुरुआत कहां से होती है? गुस्से में कही गई एक बात से। इसीलिए जब किसी परिवार में कोई समस्या होती है
तो उसका समाधान कैसे होना चाहिए? यदि प्रभु हमारे संग है तो समस्या आएगी ही नहीं। इसीलिए यीशु हमारे घर में रहने चाहिए, हमारे जीवन में रहने चाहिए। हमारे हर एक कार्य के ऊपर यीशु की दृष्टि रहनी चाहिए। यीशु की सोच आप में नहीं है और इसीलिए आपको एकदम से गुस्सा आ जाता है। बच्चों पर गुस्सा, पत्नी पर गुस्सा, पत्नी को पति पर गुस्सा और तुरंत अलग हो जाना, गुस्से में आकर इस प्रकार से फैसला ले लेना ठीक नहीं है। इसीलिए लोगों का परिवार टूट जाता है। पति पर गुस्सा, सास के ऊपर गुस्सा, पति के परिवार वालों के ऊपर गुस्सा, पत्नी के ऊपर या पत्नी के घर वालों पर, ऐसे कुछ लोगों पर गुस्से में आकर एकदम से जो फैसला लेते हैं उससे पूरा परिवार बिखरने की परिस्थिति में आ जाता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। यीशु कह रहे हैं कि तुम मुझसे सीखो जैसे मैं शांत और सहनशीलता से रहता हूं। यीशु कितने शांत और सहनशीलता के साथ रहते हैं। तो शांत और सहनशीलता के साथ रहने के लिए स्वयं को समर्पित करें। अपने गुस्से को बाहर दिखाकर, किसी को ठेस पहुंचाकर परिवार की शांति नहीं छीननी चाहिए। किसी भी परिवार में सहनशीलता बहुत ही आवश्यक है। एक दूसरे से जो रिश्ते हैं इसमें दरार ना आए, वैसे शांति और संतुष्टि घर में छाई रहनी चाहिए। आपके घर में ऐसा है? शांति और संतुष्टि आपके घर में है? छोटी छोटी बातों पर क्या लड़ाई झगड़ा होता रहता है? ये जो गुस्सा है, ये गुस्सा ही इन सब का कारण है। बहन, आपको इस क्रोध से छुटकारा पाना होगा। भाई, तुम्हारे इस प्रकार के क्रोध के कारण ही तुम्हारे बच्चे तुम्हारे पास आकर बैठते भी नहीं है। पहले इस क्रोध से छुटकारा पाएं और शांति से बात करें। आपका परिवार है, आपके बच्चे हैं, आपका पति है, आपके बच्चे हैं, एक फैमिली है। इन रिश्तों को बनाए रखने में आप ध्यान रखें। यीशु एकदम शांत मन के हैं। शांति से बात करें, उसके बदले ऊंची आवाज में बात करेंगे तो किसी को अच्छा नहीं लगेगा, नहीं तो सामने वाला भी ऊंचा बोलेगा, समस्या खड़ी होगी। तो शांति से बात करें। कोई समस्या खड़ी हो जाए तो उसका समाधान कैसे हो, उसके बारे में आपको सोचना चाहिए। क्रोधित होकर समस्या को और नहीं बढ़ाना चाहिए, क्योंकि परिवार बहुत जरूरी है, समाधान बहुत जरूरी है। इसलिए आज आपके परिवार में कोई ना कोई समस्या होगी जो आपके क्रोध के कारण आई हो, जिसकी वजह से किसी के मन को बहुत ज्यादा ठेस पहुंची होगी। आपको पता है कि आपसे गलती हो गई है, आपने गुस्से में आकर कुछ बोल दिया और ये परिस्थिति खड़ी हो गई और समझौते के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि आपका मन नहीं मानता है। परिवार यानी एक संतुष्टि है ना, पति पत्नी बच्चे खुश रहने चाहिए ना। प्रभु ने हमें कितना बढ़िया परिवार संजो के दिया है, ये कितनी बड़ी खुशी की बात है। एक घर के अंदर पति पत्नी बच्चे सब हंस हंस के बात करते हैं। हमेशा बात करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, बच्चे पढ़ते रहते हैं, पत्नी रसोई का काम संभालती है, पति काम करते हैं, लेकिन इन सब से निपटने के बाद एक साथ आराम से बैठकर सब बात करते हैं। तो क्या आपके घर में ऐसा नहीं है? एक दूसरे से मुंह फुलाकर रहते हैं। आपके मन को ठेस पहुंची है इसलिए गुस्सा, आपको उन पे गुस्सा, उनको आप पर गुस्सा, इससे आपकी सुख शांति भंग होती है ना। तो इसे ठीक करें। समस्याएं आना तो स्वाभाविक है, लेकिन तुरंत उसका हल निकलना चाहिए। इसीलिए तो प्रभु कह रहे हैं कि सूर्यास्त होने से पहले आपका क्रोध भी ठंडा पड़ जाना चाहिए। यदि शाम को गुस्सा हुए तो शाम को ही गुस्सा ठंडा भी हो जाना चाहिए। यानी अगर गुस्सा किया है तो पत्नी से आप समझौता करें, पति से समझौता करें, या बच्चों के साथ बात करके समझौता करें। यदि गुस्से में नफरत के साथ आप सोएंगे तो आपको नींद नहीं आएगी, तो इस प्रकार से क्यों रहें? प्रभु को ये पसंद नहीं है। इसीलिए प्रभु कह रहे हैं कि गुस्से को ठंडा करें, गुस्सा ना करें, ऐसा प्रभु कह रहे हैं। तो जब यीशु के पास आते हैं और उनका शांत मन का गुण प्राप्त करने पर ही ये क्रोध हमसे दूर चला जाएगा। इसलिए आप कहें कि यीशु अपना शांत गुण मुझे भी दो, मैं अपने परिवार में पत्नी बच्चों के साथ घुल मिलकर प्यार से खुश रहना चाहता हूँ। हमारे परिवार में कभी भी कोई समस्या खड़ी नहीं होनी चाहिए। निरंतर जब ऐसी प्रार्थना करेंगे तो प्रभु अद्भुत रूप से आपकी सहायता करेंगे। आज आपके घर में कैसी समस्या है? आपके घर में शांति क्यों नहीं है? क्यों आपके घर में समाधान नहीं है? आप पति पर आरोप लगाती हैं, पति आप पर आरोप लगाते हैं, इस प्रकार से एक दूसरे पर। बच्चों से पूछे तो कहते हैं माता पिता ठीक नहीं है, एक दूसरे पर चिल्लाते रहते हैं, हमेशा झगड़ते रहते हैं। तो इस प्रकार से
एक अजीब सी परिस्थिति आपके घर में आ गई होगी और ये ठीक करने में ईशु सामर्थ्यशाली हैं। ऐसी परिस्थिति बदलने में ईशु सामर्थ्यशाली हैं। क्रोध से छुटकारा दिलाकर शांत मन प्रदान करने में ईशु सामर्थ्यशाली हैं। उसी के लिए तो आज हम प्रार्थना करेंगे, प्रभु गलती हो गई है, एकदम गुस्सा आ गया, इससे परिवार में समस्या खड़ी हो गई है, ये समस्या हमेशा के लिए नहीं रहनी चाहिए, इसका समाधान करो। ऐसा बोल के मेल मिलाप करके अपनी समस्याओं को प्रभु को बताकर यदि आप प्रार्थना करेंगे तो प्रभु सहायता करेंगे और आपके अंदर जो डर है, जो क्रोध है, उससे आपको छुटकारा मिलेगा। आप शांत मन के गुण वाले बन जाएंगे। उसी के लिए हम प्रार्थना करेंगे। ईशु का ध्यान करके प्रार्थना करें तो प्रार्थना करें। परिवार के सभी सदस्यों को बुलाएं, साथ मिलकर प्रार्थना करें। अपने बच्चों को कहें कि गुस्सा ना करें। माँ बुलाए तो शांति से जाकर खड़े हों, ना कि क्यों बुलाया, दांत पीस कर बोलें कि मुझे पढ़ाई करनी है, एग्जाम सर पे हैं। तो आप इस प्रकार से न बोलें, प्यार से कहें, क्या बात है माँ, परमेश्वर ने आपको माँ दी है, परमेश्वर ने आपको पिता दिया है, प्रभु ने मुझे माँ दी है, ये एहसास आप में होना चाहिए। क्या बात है माँ, प्यार से कहें, प्यार से बात करें कि माँ मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, एक घंटे तक मुझे डिस्टर्ब मत करना। वो समझ जाएंगी। उसके बदले गुस्सा होकर टेंशन में आकर अनाप शनाप बात नहीं करनी चाहिए। ये गुस्सा है, इस गुस्से से आपके परिवार की सुख शांति छिन सकती है। इसलिए कहें, प्रभु मुझे ये गुस्सा नहीं चाहिए, मैं शांत मन से जवाब दूं, शांत व्यवहार करूं, हमें मिलजुल कर रहना है। ऐसा कह के प्रार्थना करें। अभी इसी समय एक मन होकर हम प्रार्थना करेंगे। घर में सबको साथ बिठा लीजिए, निरंतर प्रार्थना करेंगे। मेरे साथ में प्रार्थना करेंगे ना, परम पिता इन परिवारों के लिए मैं प्रार्थना कर रहा हूं, पिता इन परिवारों की सुख शांति को भंग करने वाला ये क्रोध दूर हो जाना चाहिए। क्रोध में आकर जो ये बोलते हैं, क्रोध में आकर जो ये फैसला लेते हैं, क्रोध के कारण जो परिवार में समस्या आके खड़ी हो जाती है, प्रभु इन सब से परिपूर्ण छुटकारा हमें चाहिए। ऐसा बोलकर प्रार्थना करने वाले बच्चों के लिए मैं तुम्हारा चेहरा देख रहा हूं। आज ही इसी समय इनके मन में जो क्रोध करने का स्वभाव है वो बदल जाए, क्रोध का जो गुण है वो बदल जाए। शांत मन से ये बात करें, शांत मन से कार्य करें, शांत मन से मिलने जुलने का हृदय इन्हें प्रदान करो। ईशु के नाम से इन परिवारों में दिखाई देने वाली जो उदासीनता है दूर हो जाए, सुख शांति छीनने वाली दुष्ट आत्मा दूर हो जाए ईशु के नाम से। अभी इसी समय इनके घरों में परमेश्वर की शांति प्रवेश करे। ये परिवार प्रार्थना करे, तुम्हारी स्तुति करे, ये परिवार तुम्हारे नाम की महिमा करे। वैसा इन्हें आशीर्वाद दो, इन परिवारों की कमियों को पूरी करो, इन परिवारों के लिए चमत्कारों का दरवाजा खोलो, इन परिवारों के विरोध में शत्रुओं की जो क्रियाएं हैं वो नष्ट हो जाएं, सुख शांति छीनने वाली दुष्ट आत्मा नष्ट हो। तुम्हारा लहू मैं इन परिवारों पर छिड़कता हूँ, इन परिवारों में हमेशा तुम्हारी उपस्थिति रहे, इन्हें छू कर चमत्कार करने के लिए तुम्हारी स्तुति हो। जो बीमार हैं वो चंगे हो जाएं ईशु के नाम से, सारी बीमारियां लुप्त हो जाएं, शत्रुओं के बंधन टूट कर बिखर जाएं। प्रभु ऐसा करने के लिए तुम्हारी स्तुति हो, स्तुति हो पिता। परम पिता, कभी भी इन परिवारों में गुस्सा, नफरत, चिड़चिड़ापन ये सब ना आने पाए, उसके बदले प्रेम, सुख शांति छाई रहे, मैं प्रार्थना करता हूँ ईशु के नाम से। प्रार्थना कर रहा हूँ परम पिता, आमेन आमेन। प्रिय बंधुओं, प्रभु ने आपकी प्रार्थना सुनी। सब परिवार प्रार्थना करते हैं। जब रोजाना सब परिवार प्रार्थना करेंगे तो क्या होगा, आपको पता है, परमेश्वर की उपस्थिति आपके घर में समाएगी, आपके घर का वातावरण बदल जाएगा, भय उलझन नफरत दूर होगी, बल्कि सुख शांति और आशीर्वाद मिलेगा। इसलिए रोजाना सब परिवार प्रार्थना करें। क्या आप पारिवारिक प्रार्थना आशीर्वाद योजना से जुड़े हैं, ऐसा कुछ है क्या, यही सोच रहे हैं ना? हाँ है, हजारों की संख्या में लोग उस सभा में शामिल होते हैं। 70,000 से ज्यादा परिवार इस योजना से जुड़े हैं। रोजाना हम ईशु छुड़ाता है सेवकाई में उनके लिए प्रार्थना करते हैं, उन परिवारों के लिए निरंतर प्रार्थना करते हैं। अगर अभी तक आप इस योजना से नहीं जुड़े हैं तो इस योजना से आप जुड़ जाएं, तो रोजाना आपके लिए और आपके परिवार के लिए हम प्रार्थना करेंगे। प्रिय बंधुओं, उसके लिए
किसी प्रकार का चंदा या भेंट कुछ नहीं है, ये मुफ्त में है। बस आप घर में रोजाना सपरिवार प्रार्थना करें तो आपके लिए हम भी रोजाना प्रार्थना करेंगे। तो इस योजना में शामिल होने के लिए मैं आपका स्वागत करता हूँ। इस योजना से जुड़ जाएं, प्रभु आपके परिवार को आशीर्वाद देंगे। आमीन। कृपया अपनी प्रार्थना और गवाही निवेदन इन पतों पर भेजें। जीसस रिडीम्स मिनिस्ट्रीज, गेथसेमाने प्रेयर सेंटर, नई दिल्ली, फोन 011-2561-6253, 2564-3478, गेथसेमाने प्रेयर सेंटर, झारखंड, फोन 0651-224-4625, 0969-354-2812, गेथसेमाने प्रेयर सेंटर, मुंबई, फोन 0222-566-9766, 0966-4050567। प्रभु आपको आशीष दें।